बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जहाँ पे सारे मुल्क इस मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं और अपने आवाम को इस मुश्किल हालात से हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं पे पाकिस्तान भी अपनी कोशिश पूरी कर रहा है और इमरान हुकूमत यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाम को कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, बल्कि हम खुद ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। अगर हम खुद इस पर कंट्रोल करना चाहें तो इसको मिनटों सेकेंड घंटों में कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को तरकीब दे के, अपने आप को सेफ रख के घरों के अंदर, तो हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इमरान हुकूमत फिर भी कोशिश कर रही है कि उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसके अंदर जितने भी इम्प्लॉज़ है पाकिस्तान के अंदर, जो जिनको कंपनीज सपोर्ट कर रही थी, कंपनियों के अंदर काम कर रहे थे, उनको इमरान खान साहब का एक वाज़ेह पैगाम गया है। और इमरान खान साहब ने बोला है कि भाई, कंपनीज़ को अर्ज किया है कि नॉट टू फायर एम्प्लॉयज़, के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप कंपनी से नहीं निकालें और कंपनी में उनको काम करने दें। उसके लिए कंपनियों को क्या सपोर्ट की जा रही है इमरान खान की तरफ से, पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से कंपनियों को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं कि आप ऐसा करें कि आप ये जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी बेरोज़गार हो जाएंगे, उन लोगों को आप कंपनियों से फायर नहीं करें, हम आपको इंसेंटिव देंगे और आपको कोरोना रिलीफ फ़ंड भी दिया जाएगा। इस फ़ंड के तहत आप उन जो वर्कर्स हैं उनको कुछ अपने से मिला के कुछ हम आपको फ़ंड देंगे तो उनका घर का निज़ाम चलता रहे। इमरान खान साहब वो वज़ीर आज़म हैं जिनके अंदर एक आम बंदे के लिए जज्बात हैं, और आम बंदे के लिए वो कैसे गुजारा करेगा, एक दिहाड़ीदार तबका होता है जो, वो कैसे गुजारा करेगा, उसके लिए हमेशा उन्होंने बात की है कि हम तो गुजारा कर लेंगे, पैसे वाले तो एलीट क्लास तो गुजारा कर लेगी, लेकिन वो गरीब आदमी जो दिहाड़ लगा के घर में पैसे ले कर जाता है उसका गुजारा कैसे होगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ प्लेज टू गिव इंसेंटिव टू प्राइवेट कंपनीज हु विल नॉट फायर एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द करोना वायरस पेंडेमिक। तो वो पेंडेमिक जो अभी चल रही है इसके अंदर जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो फायर नहीं करेंगी, उनसे उनको बकायदा तौर पे इंसेंटिव दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त जो इनिशिएटिव है पीटीआई गवर्नमेंट का, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कंपनी अगर किसी को नहीं निकालती है तो उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको फ़ंड दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इमरान खान वंस अगेन रूल्ड आउट अ कंप्लीट लॉकडाउन और कर्फ्यू इन द कंट्री टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ दिस सिचुएशन। हाउएवर ही हिंटेड द लॉक एट लॉकडाउन्स ऑफ द एरियाज़ विद हाईस्ट कंसंट्रेशन ऑफ, तो जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा पाई जा रही हैं, ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उन एरियाज़ को सिर्फ लॉकडाउन करने का और कर्फ्यू का सोच रहे हैं, और बाकी जो नॉर्मली एरिया चल सकते हैं उनको लॉकडाउन करने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं बोला है, कर्फ्यू लगाने के लिए फ़िलहाल नहीं बोला है। लेकिन इस चीज़ को जो है वो देखा जा रहा है कि कैसे इस चीज़ को कवर कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आपको इमरान खान साहब की मैं ट्वीट भी आपको दिखा रहा हूं जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कुछ भी इनिशिएटिव आ रहा है या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर अपना हाई लिख के भेजिए, आपको तमाम तर आपको सहूलियात दी जाएंगी।